अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है और आप इस एजुकेशन सिटी चैनल से आपकी और मेरी मुलाकात इंटर और मैट्रिक की मैथ की वजह से होती रही है। तो आज हम अपने पहले लेक्चर में इंटर की फर्स्ट ईयर की मैथ के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जिस तरह से हमने नाइन्थ और टेंथ में मैथ की थी, सेम उसी तरह से फर्स्ट ईयर की मैथ सिवाय एक दो चैप्टरों के वही नाइन्थ और टेंथ की मैथ है। जिस तरह से आपके पास पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हम इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बात करेंगे कि हमारे पास नंबर होते हैं जिस तरह से रियल और कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इस पूरे चैप्टर में रियल और कम्प्लेक्स नंबर और उनको सॉल्व करते हुए सिस्टम बनाते हुए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं उन्हीं की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारे पास है फंक्शन और ग्राफ का, तो वो भी हमने आपने टेंथ क्लास में पांचवें चैप्टर में फंक्शंस को डिस्कस किया होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, तो आपने नाइन्थ क्लास की मैथ में पहला चैप्टर किया था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का। सेम इसी तरह से चौथा चैप्टर आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने टेंथ क्लास के पहले चैप्टर में सॉल्व करना सीखा था। पांचवा चैप्टर आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने टेंथ क्लास में चौथा चैप्टर सॉल्व किया था, सेम उसी तरह के सवाल हैं। उसके बाद आपके पास है छठा चैप्टर, ये चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप जब पाकिस्तानी लोग एयरफोर्स का टेस्ट देते हैं तो इसी सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर से ही ज़्यादातर सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर पिछले पाँच चैप्टरों से कदर थोड़ा लेंथी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपके पास सातवां चैप्टर है परमोटेशन, प्रोबेबली और कम्बिनेशन का। बेसिकली ये चैप्टर स्टैट का है कि जो एक आपके पास मैथ की ब्रांच है ये उसका चैप्टर है। आठवां चैप्टर आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें हम टर्मों को फाइंड करते हैं कि मैं टर्म किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस मैथ में हिस्सा है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब कि नौवें चैप्टर से लेके चौदहवें चैप्टर तक। ख्याल रहे कि नौवें से चौदहवें चैप्टर तक फर्स्ट ईयर में पेपर सेट करने वाला कम से कम 56 नंबर का पेपर उठाता है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ थोड़ा सा तारुफ पढ़ा था टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 7 में, तो आप इसी तरह से इसके ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में मतलब नौवें चैप्टर में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री किस किस पे डिपेंड करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास है दसवां चैप्टर, तो उस दसवें चैप्टर में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को सम और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्यारहवां चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे कि हम फंक्शंस के पीरियड किस तरह से फाइंड करते हैं। बारहवें चैप्टर में हम सीखेंगे, आप ख्याल रहे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल मतलब कि जिसकी तीन साइडें होती हैं और तीन एंगल होते हैं, तो हम इसमें ट्राइंगल के छह कंपोनेंट्स में से वो हमें कभी तीन बताएगा, कभी चार बताएगा, कभी दो बताएगा। तो हम इस बारहवें चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के या ट्राइंगल के कंपोनेंट्स पूरे करना सीखेंगे। तेरहवें चैप्टर में हमारे पास है कि हम इनवर्स फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसके बाद चौदहवें चैप्टर पर हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के हम सॉल्यूशन सेट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप ये जो मैथ फर्स्ट ईयर की है इसमें कोई चैप्टर नहीं हो नहीं है, आप नाइन्थ टेंथ में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होगा क्योंकि अब क्लास फर्स्ट ईयर है। तो हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर तौर पे स्टडी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, थोड़े थोड़े से डेली सवाल किया करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज़।